हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल त्यागी स्टडी हम में। हमारे 5 मिनट में 25 क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जनरल नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पर 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, आज इसका 3rd पार्ट है। तो आज ये क्लास को करते हैं शुरू। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? 6। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? वनिक वर्गीय। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हनकुंड का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था? अंडाकार। सिंधु निवासी टीन का आयात कहां से करते थे? अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय, यानी के चीजों का दान प्रदान। सैंधव सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरे प्राप्त हुई हैं? रंगपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? हड़प्पा। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? सरसों और तिल। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? आलमगीरपुर। हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल। सुत कांगेडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म सौदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में सौदान के कितने प्रकार प्रचलित थे? 3। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल। हड़प्पा कालीन नगर कितने वर्गों में बटे थे? 2। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।